लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने राजस्थान में 15 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर एलईडी रथ के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। रविवार को जयपुर से सीएम भजन लाल शर्मा ने 2 एलईडी रथों को रवाना किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भजन लाल ने कहा कि हमारे 60% टिकट फाइनल हो गए हैं, बाकी टिकट भी जल्द ही फाइनल हो जाएंगे। इससे पहले भी हमने राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीती है, लेकिन इस बार राजस्थान का हर सांसद 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर लोकसभा जाएगा, मोदी जी को मजबूत करेगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि आज से मोदी जी की गारंटी को लेकर प्रदेश भर में 2 एलईडी रथ जाएंगे। इसके बाद जिला स्तर पर अभियान की शुरुआत होगी। हम इन रथों के माध्यम से आम लोगों से हमारे मैनिफेस्टो को लेकर सुझाव लेंगे। रथ में सुझाव पेटी होगी, इसमें आम आदमी भी अपने सुझाव दे सकेगा। इस आधार पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। आपको बता दें कि इन रथों के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं जैसे कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रचार किया जाएगा। रथों में सुझाव पेटियां भी लगाई गई है, जिनमें आम लोग लोकसभा चुनाव के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों का उपयोग भाजपा अपने घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए करेगी। इसके अलावा रथों में लगे एलईडी स्क्रीन पर मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ये अभियान 25 मार्च तक चलेगा। तो फिलहाल हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए महानगर टाइम्स। नमस्कार।